वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अफ़गानी शलवार, या फिर हम जिसको अफ़गानी प्लाजो भी बोलते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है, 2 मीटर फैब्रिक है। तो ये देखिए, इस तरह से चौड़ाई में ये मेरा डबल फोल्ड है कपड़ा। अब इसको इस तरह से लेंथ में 2 मीटर को इस तरह से 1 मीटर में 4 फोल्ड कर लेंगे। इसको कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से 4 फोल्ड है फैब्रिक मेरा। अब सलवार की जो लेंथ है वो 34 इंच है, उसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो ये जो ओपन साइड है फैब्रिक की, ये मेरी साइड है, और क्लोज साइड इस तरफ है। तो इसकी लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो लेंथ 34 इंच तैयार चाहिए हमें। तो 1 इंच यहाँ पे पोंचे का माइनस करते हुए 33 इंच पर यहाँ पर इसकी सलवार की लेंथ की मार्किंग करेंगे। और थोड़ा बहुत फैब्रिक इसमें सिलाई में जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये नीचे पोंचे के साथ ही इसमें कवर हो जाएगा। तो लेंथ का मार्क करना है यहाँ पर 33 इंच पर। तो इस तरह से देखिए, नीचे की साइड जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ से भी मेरा फैब्रिक जो है वो क्लोज साइड है, और ऊपर की तरफ इस साइड से ओपन साइड है। तो इस तरह से पूरे फैब्रिक पे 33 इंच पर यहाँ पे मार्क कर लेना है। सलवार के पोंचे पे मैं यहाँ पर मिरर से एम्ब्रॉयडरी करूँगी, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और वीडियो में मैंने ये जो सलवार है ये एक सिंपल कुर्ती के साथ वेयर की थी, जो उस पर भी मैंने मिरर वर्क से ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, लेंथ के ऊपर से यहाँ पे 2 इंच पर मार्क करना है। ये मेरा बेल्ट का होगा, जहाँ पर जो हमारी इलास्टिक आएगी वहाँ पर हम इस पर रख कर स्टिच करेंगे। तो 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर कर लेना है। इस तरह से देखिए, डार्क कर देती हूँ मैं निशान, जो आपको ईजिली विजिबल हो। इस तरह से पूरी इस फैब्रिक पर मार्क कर लेना है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा आपको ये डिज़ाइन। तो देखिए, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसके आसन का निशान लगाएंगे, जिसको क्रॉच एरिया भी बोलते हैं। तो ये हमारा 12 इंच पर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई हेल्दी पर्सन है, तो उसके लिए यहाँ पर हम 14 इंच तक मार्क करेंगे आसन के लिए, क्रॉच एरिया के लिए। तो ये मैंने 12 इंच पर मार्क किया है। और जो चौड़ाई ली है वो यहाँ से 2 से 2.5 इंच तक आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरह से एक नोक से बना लेनी है, थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए। अब नीचे मोरी का जो आएगा हमारा, जहाँ पे पहुँचा होगा, इसमें चुन्नट आती है नीचे, तो उसके लिए मार्क करेंगे 13 इंच पर। यहाँ पर आप 12 से 13 इंच तक मार्क कर सकते हो। अब ये आसन वाला जो मार्क है मेरा, यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे नीचे मोरी वाले से मिलाते हुए, इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से मेरी ये यहाँ पर मार्किंग तो कम्प्लीट हो गई है इस तरह से सलवार की। अब इसको हम यहाँ पर कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। ये सलवार और भी कई तरीके से बनाई जाती है, जैसे सलवार में नॉर्मल सलवार जो होती है उसमें ऊपर बेल्ट लगाते हैं 5 इंच चौड़ी, तो हम उसको इस तरह से भी बना सकते हैं चुन्नट डाल के। बस मेन चीज़ इसमें डिफरेंट ये होता है कि इसके नीचे पोंचे में चुन्नट होती हैं, और इसके पोंचे पर आप सिलाइयाँ की जगह कुछ एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, या फिर लेसेस वगैरह लगा सकते हैं। तो ये मैंने पोंचे के लिए फैब्रिक की पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई 4 इंच ली है, और यहाँ पे ब्रेड्थ जो है इसकी लंबाई ये 14 इंच है। तो पहले फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में मैं मार्क कर लूँगी, और यहाँ पे 5.5 इंच पर, इस तरह से यहाँ पे 11 इंच पर। तो ये जो मैंने मार्क किया है, ये मैंने पोंचे पे जो एम्ब्रॉयडरी करनी है मिरर की, उसके लिए किया है, क्योंकि जो मेरी मोरी फोल्ड करके आएगी स्टिच करने के बाद, ये मैं 5.5 इंच तक रखूँगी, यानी कि पूरा गोलाई करके 11 इंच पर। तो इसलिए यहाँ पर इसको मार्क कर लेना है, और इसके बीच में सेंटर में यहाँ पर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो दोनों पट्टी को पहले मैंने यहाँ पे आपस में स्टिच कर लिया है दोनों पैंचे बनाने के लिए, और साइड में मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है, क्योंकि हम इसे वुडन फ्रेम में यहाँ पर अटैच करेंगे। ये पट्टी इसलिए लगाई हैं ताकि ये फ्रेम में पूरा मेरा साइज़ आ जाए इसमें। बाद में हम इन पट्टियों को उधेड़ लेंगे और इसको पोंचे को स्टिच करेंगे। तो फ्रेम में अच्छे से फिट कर लेना है कपड़े को। जो छोटा पीस होता है वो नीचे रखना है कपड़े के, और ऊपर से ये बड़ा वाला फ्रेम का वुडन वाला। अब इसको कपड़े को अच्छी तरह से चारों साइड से खींच लेना है अच्छे से, परफेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ करूँगी। ये मिरर्स हैं और ये मेरा फैब्रिक ग्लू है। इसको बिल्कुल यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर इस तरह से इस शेप में रखते हुए इसे पूरे को पेस्ट कर लूँगी, सारी चिपका लूँगी। आप चाहें तो और भी कोई
किसी टाइप के भी मिरर्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर आप जो भी करना चाहें लेस लगा सकते हैं या फिर कुछ और एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर वाले मिरर लिए हैं जिसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ पोंचे की दोनों पट्टियों पर, और पट्टी के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर मैंने मार्क की थी बिल्कुल सीधी लाइन, तो उस पर ये पेस्ट कर लेनी है। अब इसको हम रेशम की हेल्प से इसे इसमें एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो ये देखिए नीडल में मैंने 4 थ्रेड्स करके डाले हैं रेशम का। अब ये देखिए मिरर का जो एक साइड है उसके बिल्कुल सेंटर से मैंने धागा निकाला है और दूसरे साइड के बिल्कुल सेंटर में धागे को निकाल लेना है नीचे की साइड। अब इस तरह से सिर्फ ये एक कोना जो है मिरर का इसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे एक साइड से दूसरी साइड तक धागे को ले जाते हुए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिरर के बिल्कुल किनारे से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो नीचे को दब जाता है फिर थ्रेड वहाँ से, इसलिए मिरर की एक साइड से बिल्कुल सेंटर में से इसको एम्ब्रॉयडरी को करना स्टार्ट करेंगे। अब इस तरह से दूसरी साइड को कर लेना है। ये देखिए मिरर के एक साइड के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए धागे को सुई को यहाँ से निकाल लेना है और इस तरह से पूरी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिए हैं ये। अब इस तरह से ही पूरे जो भी जितने भी मिरर्स हैं ये यहाँ पर कर लेने हैं, और पोंचे का जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 इंच का यहाँ पर बनाऊँगी पोंचा चौड़ाई में, और इसकी जो मोरी है यहाँ पर मैं 5.5 इंच रखूँगी, मतलब पूरी गोलाई करके ये 11 इंच तक आएगी मेरी। तो उसी हिसाब से मैंने ये मिरर्स भी उतने ही लगाए हैं पूरी उसको लेंथ को जितना भी आएगा मेरा। तो देखिए इस तरह से हो गए हैं मेरी पूरी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है इसमें। अब हम इसको फ्रेम को निकाल लेते हैं और इन पट्टियों को भी हम अलग अलग कर लेंगे। अभी देखिए सलवार का हम करते हैं सिलते हैं पहले से, तो इसको इस तरह से उठा लेना है और दोनों साइड से दोनों पीस को बिल्कुल अच्छे से खोलते हुए पूरा खोल लेना है, उसे आसन मिलाने हैं दोनों साइड से और इन आसन के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगानी है, दोनों को आपस में स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आसन के ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लूँगी मैं दोनों साइड से। उसके बाद यहाँ पर आसन स्टिच करने के बाद ऊपर से आसन के ऊपर से भी एक सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। अभी देखिए मैंने इलास्टिक ली है कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग, तो जितना हिप साइज़ होता है उससे हम पूरा गोलाई में 6 इंच माइनस करते हैं, यानी कि 1.5 में यहाँ पे 3 इंच माइनस करूँगी। तो ये 13 इंच की मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है। अब इसको इस तरह से पूरी अच्छी तरह से जॉइंट कर लेना है, आपस में गोल बना लेना है पूरा, अच्छी तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है बहुत सारी। अब इसको यहाँ पर जो बेल्ट के लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था यहाँ पर इसको बेल्ट को स्टिच करूँगी रख कर इलास्टिक को। पहले थोड़ा सा 1/4 इंच फैब्रिक अंदर फोल्ड किया है, उसके बाद जो इलास्टिक का साइज़ है उतना यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। इलास्टिक बिल्कुल अंदर रखी है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक बिल्कुल ईजिली कंफर्टेबल इधर से उधर खिंच जानी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से अब ये फैब्रिक जो है ये सारा इस साइड निकाल लूँगी, अभी मेरा पूरा गोल पोर्शन आ जाएगा नेफा मोड़ने के लिए। तो देखिए इस तरह से अब ये पूरा यहाँ पर इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से ये अफगानी सलवार बन जाती है जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब ये इस तरह से स्टिच कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर फैब्रिक को पूरा अच्छी तरह से एक पूरा इकसार कर लेना है, कहीं कम ज़्यादा चुनट नहीं होनी चाहिए इलास्टिक में, सब जगह इक्वल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड इस पर मैं एक सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए सिलाई की मशीन की जो सिलाई है वो बिल्कुल फुल कर लेनी है और यहाँ पर इलास्टिक को आगे से भी खींचना है और पीछे से भी पकड़ के पूरा अच्छे से खींचना है और उसके ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई जो है वो मशीन की बड़ी करके करनी है। अभी नीचे मेरा मोरी का पार्ट है जहाँ पे पोंचे बनाने हैं, तो यहाँ पर सिंपल मैं जैसे सलवार में चुन्नट डालते हैं बेल्ट के लिए उस तरह से यहाँ पर सिंपल चुन्नट डालूँगी और ये मोरी का साइज़ मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी अपना 13 इंच तक, एक एक साइड दोनों साइड से बचेगा, 11 इंच पर इसे स्टिच कर लेना है बाद में मोरी जो आएगी हमारी। तो इस तरह से सिंपल चुन्नट डाल के कर लेना है। आप चाहें तो जैसे थ्रेड खींच कर बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं ये इस तरह से बना रही हूँ। तो कपड़े को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये 13 इंच तक मेरा यहाँ पर आ जाए पूरा कंप्लीट। इस तरह से पूरे पोंचे में चुन्नट डाल लेनी है। ये हो गया है मेरा कंप्लीट। अब ये जो मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है जहाँ पर पोंचा बनाऊँगी मैं, तो एक बुकरम की पट्टी ली है, इसको बिल्कुल सेंटर में रखूँगी एम्ब्रॉयडरी के और साइड्स में एक सिलाई लगाऊंगी।
बुकरम की पट्टी ये मैंने सिर्फ 1 इंच चौड़ी ली है। अब यहाँ पर किनारी पर एक सिलाई लगा लेना है। जो एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन है ये बिल्कुल सेंटर में रखूँगी बुकरम के, और इसकी दूसरी साइड भी अब इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब ध्यान रखना है कि जो दूसरी साइड वाला फैब्रिक है वो इसके नीचे ना दब जाए, इसे साइड में ही रखना है हमें, और इस तरह से दोनों किनारी पर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये मेरी बुकरम जो है ये एक जगह पर फिट हो जाएगी, ये इधर उधर नहीं भागेगी। अब इसको मोरी में स्टिच करेंगे। तो ये मेरी सीधी साइड है तो इसको उल्टी साइड रखना है बैक साइड पे मोरी के, और यहाँ पर रख कर इसे स्टिच करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये अभी मेरा सलवार का फ्रंट साइड है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम पोंचे को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मेरी सलवार बिल्कुल बनकर कंप्लीट रेडी हो जाएगी। इस तरह से दूसरी साइड का भी पोंचा स्टिच कर लेंगे। अब इसको बस यहाँ से इसकी मोरी का पूरा आसन तक सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे से मोरी यहाँ पर 5.5 इंच तक रखूँगी मैं, यहाँ पे 5.5 इंच रख के पूरा इसे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ब्यूटीफुल सी ये बहुत ही सुंदर सलवार बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।